हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हमारी समरी है चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम से, साइंस बुक ग्रेड 8 सीबीएसई। जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उसमें से हीट निकलती है, तो इस तरीके के केमिकल प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। और जिस सब्सटेंस ने ये कंबशन किया है उसको कंबस्टिबल सब्सटेंस या फ्यूल कहते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरीके का कंबशन है, क्योंकि इस बात पे होता है कि किस तरीके का फ्यूल इस्तेमाल किया जा रहा है उसी तरीके का कंबशन होगा। जो एलपीजी है यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, वो बहुत जल्दी जल जाती है और उससे बहुत हीट निकलती है, इसीलिए इसको रैपिड कंबशन भी कहते हैं। जब वाइट फॉस्फोरस को जो है हम खुले में छोड़ दें रूम टेम्परेचर पे कुछ देर के लिए, तो वो अपने आप जल जाता है, इसको स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। फॉरेस्ट में जो आग लग जाती है या जो कोल माइंस में आग लग जाती है, वो स्पॉन्टेनियस कंबशन का ही रिजल्ट है। ये जो हमारे क्रैकर्स होते हैं यानी पटाखे होते हैं, जब वो जलते हैं तो उससे बहुत ज्यादा हीट निकलती है, लाइट निकलती है और साउंड होती है, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन होता है। इस तरीके के कंबशन को हम एक्सप्लोजन कहते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है वो नहीं जलेगा, यानी वो बर्न नहीं होगा। टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कंबशन के लिए। अगर कंबशन करना चाहते हैं तो टेम्परेचर बहुत जरूरी है। सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे भी एक सब्सटेंस आग पकड़ लेता है, वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। कैरोसिन जो है एक ऐसा फ्यूल है जो बहुत ही कम इग्निशन टेम्परेचर पे जल जाता है। लो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब हुआ कि जो सब्सटेंस है वो बहुत तेजी से फायर पकड़ेगा और वो बहुत ही इनफ्लेमेबल होगा। कुछ इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस इसमें पेट्रोलियम, एलपीजी, ईथर या अल्कोहल आते हैं। जो हमारी मैच स्टिक होती है वो बनी होती है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड की, जिसमें थोड़ा सी मात्रा जो है वो रेड फॉस्फोरस की भी होती है। लाइटर जो है वो लाइटर फ्लूइड पे डिपेंड करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेमेबल होता है। ये नेप्था या लिक्विड ब्यूटेन से बना हुआ आता है। एयर, हीट और फ्यूल, इन सब की जरूरत पड़ती है एक आग को क्रिएट करने के लिए। अब हम फायर को कैसे आसानी से रोक सकते हैं? अगर हम एयर या हीट की सप्लाई को रोक दें, वाटर जो है एक गुड एक्सटिंग्विशर नहीं माना जाता है इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आग लग जाए और अगर आप पानी उस पर डाल दोगे तो वो जो है एकदम से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा पानी के थ्रू, और उससे क्या है जो आदमी आग बुझा रहा है उसको भी करंट लगने का डर है। अब क्योंकि पानी जो है वो पेट्रोल से ज्यादा भारी होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है पेट्रोल फायर्स या ऑयल फायर्स को बुझाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और ऑयल फायर्स के लिए सबसे ज्यादा अच्छा जो इस्तेमाल हो सकता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हो सकता है, जो कि एक्सटिंग्विशर का काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से हैवी होती है, तो वो इस वजह से जो लपटें होती हैं यानी जो फ्लेम होती है उसे ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेती है, और इससे क्या होता है फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच का जो कांटेक्ट है वो कट हो जाता है। जो पाउडर है सोडियम या पोटेशियम बाइकार्बोनेट का, उसका भी इस्तेमाल करा जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड मिल सके। जो सबसे पहला ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर था उसे पेटेंट किया गया था इंग्लैंड में एक केमिस्ट द्वारा, जिनको कहते हैं फ्रेंच सी हॉपफर। जो मॉडर्न फायर एक्सटिंग्विशर है उनको इन्वेंट किया था ब्रिटिश कैप्टन जॉर्ज विलियम मैनबाई ने। अब बात करते हैं फ्लेम की। जो सब्सटेंसेस जलने के दौरान वेपराइज हो जाते हैं और उनमें से आग निकलती है या वो लपटे देती हैं, वो होती हैं फ्लेम। कैरोसिन ऑयल, मोल्टन वैक्स, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो फ्लेम देते हैं जब वो जलते हैं। वुड, चारकोल भी सब्सटेंसेस हैं, पर वो वेपराइज नहीं होते, जलते हैं पर उनमें फ्लेम नहीं निकलती। दो तरीके की फ्लेम्स होती है, एक होती है ल्यूमिनस फ्लेम, एक होती है नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। ल्यूमिनस फ्लेम जो है वो ब्राइट येलो कलर की फ्लेम्स देती है और उसमें से लाइट आती है। ल्यूमिनस फ्लेम जो है उसमें इनकम्प्लीट कंबशन होता है, और क्योंकि उसको जो ऑक्सीजन है वो पूरी नहीं मिल पाती जितनी उसको जरूरत है। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम जो है कलरलेस होती है और ज्यादा गर्म होती है, इसमें पूरी तरह से कंबशन हो जाता है क्योंकि इसमें ज्यादा ऑक्सीजन लेती है वो और ज्यादा गर्म होती है। बहुत सारे जोन्स हैं जो कि नॉन ल्यूमिनस फ्लेम के अंदर होते हैं, और हर जोन का जो है अपना एक अलग टेम्परेचर होता है। जो आउटर मोस्ट जोन है फ्लेम का वो ब्लू होता है कलर में और सबसे गर्म पार्ट होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि कंप्लीट कंबशन होता है। मिडिल जोन जो है वो थोड़ा कम गर्म होता है और येलो होता है कलर में, क्योंकि यहाँ पार्शियल कंबशन होता है। जो इनर मोस्ट जोन है वो सबसे कम गर्म होता है, काला कलर का होता है, क्योंकि यहाँ पे अनबर्न वैक्स वेपर्स की मौजूदगी होती है। अब फ्यूल क्या है?
फ्यूल एक ऐसा मटेरियल है जिसको कि जलाया जाता है ताकि एनर्जी हासिल करी जा सके और हीट करने के लिए किसी को भी या दूसरे ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल में से एनर्जी निकलती है एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू, जिसे कि हम कंबस्शन कहते हैं। जब भी कोई चीज जलती है उससे हीट एनर्जी निकलती है, पर जरूरी नहीं है कि वो उसे फ्यूल ही कहा जा सके या अच्छा फ्यूल कह सके। एक अच्छे फ्यूल में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? आसानी से अवेलेबल होता है, सस्ता होना चाहिए और उसको मॉडरेट रेट पे जलाया जा सके, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस हो सके और अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस जो है वो जलने के बाद ना छोड़े। अभी जो है कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं है जिसमें इन सब क्वालिटीज हों, इसलिए हम किसी भी फ्यूल को एक आइडियल फ्यूल नहीं कह सकते। अलग अलग तरीके के फ्यूल्स होते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये क्लासिफिकेशन जो है इस बात पर डिपेंड करता है कि फ्यूल कैसा है। वुड जो है सबसे पहला फ्यूल है जिसको लगभग 2 लाख साल पहले होमो इरेक्टस ने जो है करा था, जो कि ह्यूमन बींग्स के एक तरह से प्रीसिडेंसर माने जाते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू क्या हुई? कैलोरीफिक वैल्यू जो है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस होती है कंप्लीट कंबस्शन पे। अगर हम 1 किलो फ्यूल को जलाएं तो उससे जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो जो है कैलोरीफिक वैल्यू होगी। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं यूनिट में, जिसको कहते हैं किलो जूल पर केजी। जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी फ्यूल की, उतनी ज्यादा उसकी एफिशिएंसी होगी। हर किलोग्राम जो एलपीजी गैस का है वो कहीं ज्यादा हीट देता है बजाय 1 किलो वुड या कोल के। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू एलपीजी की है वो वुड, चारकोल और एलपीजी में सबसे ज्यादा है। रूरल इलाकों में क्या होता है, जो गाय का गोबर है या लकड़ी है उसका इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल की फॉर्म में, क्योंकि वो काफी सस्ते होते हैं और आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। अब जब हम लकड़ी को जलाते हैं उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा स्मोक निकलती है जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर हम पेड़ों को काटते जाएं फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने के लिए, उससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है जिससे कि एनवायरनमेंट को खतरा है और साथ ही साथ जो हमें पेड़ों से होने का फायदा होता है वो भी एक तरह से खत्म हो रहा है। अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स जो हैं जब छोड़े जाते हैं, जब कार्बन फ्यूल्स जैसे कि वुड, कोल या आपका पेट्रोलियम जलाया जाता है, तो उससे जो अनबर्न पार्टिकल्स रिलीज होते हैं उससे पॉल्यूशन होता है और रेस्पिरेटरी डिजीज होती है जैसे कि एस्थमा। इनकम्प्लीट कम्बस्शन जो कार्बन फ्यूल का है उससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल गैस है। और जो कम्बस्शन है फ्यूल्स का उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब इस तरह से जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उससे जो पोलर ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है और जो लो लाइंग एरियाज हैं दुनिया के उनमें फ्लड आने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। ऑक्साइड्स जो हैं सल्फर और नाइट्रोजन के, वो रेन वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं जिससे एसिड रेन होती है और उससे जो चाहे आपकी क्रॉप्स हो, सॉइल हो या बिल्डिंग्स, सब के सब जो है बर्बाद हो जाते हैं। अगर हम सही फ्यूल को स्टम्प चुने और उससे क्या होगा कि हम जो नेगेटिव इम्पैक्ट है एनवायरमेंट पे उसको काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कार्स हैं, बसेस हैं, ऑटो रिक्शंस हैं, जिनको कि सीएनजी गैस के थ्रू चलाया जाए बजाय पेट्रोल के। सीएनजी जो है ज़्यादा क्लीन होती है और ज़्यादा सस्ता फ्यूल मानी गई है। तो ये थी हमारी समरी कंबशन एंड फ्लेम की। आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।